बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ आप सब बिल्कुल खैरियत से होंगे। आज मैं आपके साथ शेयर करने लगी हूँ बटर गार्लिक ब्रेड की रेसिपी। सो आइए स्टार्ट करते हैं। वेलकम टू किचन दक्षा YouTube चैनल। प्लीज लाइक माय वीडियो, सब्सक्राइब माय चैनल एंड प्रेस द बेल आइकन फॉर लेटेस्ट वीडियोस। सबसे पहले देखते हैं कि बटर गार्लिक ब्रेड बनाने के लिए हमें किन किन चीज़ों की जरूरत है, ये कैसे बनाई जाती है। 2 टेबल स्पून चॉप फ्रेश गार्लिक, 4 टेबल स्पून धनिया फ्रेश, 4 टेबल स्पून बटर, 1/2 टीस्पून नमक, 2 पिंच येलो फूड कलर, 4 ब्रेड के स्लाइसेस। आइए जी अब इसको मिक्सिंग स्टार्ट करते हैं। मेरे पास होममेड का फ्रेश बटर था, ऊपर मैंने इसमें 4 टेबल स्पून फ्रेश धनिया ऐड किया, 1/2 टीस्पून हम इसमें नमक ऐड करेंगे, 2 पिंच येलो फूड कलर। येलो फूड कलर ऑप्शनल है क्योंकि बाजार का जो अगर आप रेडीमेड या होम बटर लेके हैं तो वो येलो कलर का होता है और सॉल्ट होता है, तो उस केस में आपको सॉल्ट भी नहीं डालना पड़ेगा। क्योंकि मेरे पास घर का बना हुआ है और फ्रेश है, तो इसमें मैं थोड़ा सा सॉल्ट और येलो फूड कलर ऐड करके अच्छे से मिक्स कर लूँगी। ये जी हमारा मिक्सर तैयार हो गया। दूसरी तरफ जी आप चूल्हा चला लें, आँच मीडियम टू लो पे रखनी है, पैन मैंने रख लिया है। अब जी ब्रेड के स्लाइसेस लें और उस पर आप अच्छे से ना ये बटर का मिक्सचर जो है ना वो लगा दें। आपको ज़्यादा इसका गार्लिक का फ्लेवर पसंद है तो आप दोनों साइड्स पे इसका बटर जो है ना गार्लिक बटर वो लगा सकते हैं। मैं एक ही साइड पे लगाऊंगी, आप अब नीचे वाली साइड को ना आप थोड़ा सा बटर या फिर ऑयल डाल के टोस्ट कर सकते हैं और ये बड़ा नीचे से क्रिस्पी और ऊपर से गार्लिक का बड़ा ज़बरदस्त सा इसमें फ्लेवर आता है। और यहाँ साथ साथ में बनाई जा रही थी और साथ साथ जी ख़त्म हो जा रहे थे क्योंकि साथ साथ हम मैं खाई भी जा रही थी, क्योंकि बहुत टेस्टी और गरम गरम सर्व करें बड़ा मज़ा आएगा। ख़ासतौर पे इसको आप टी टाइम स्नैक्स में भी ले सकते हैं, इसको आप ब्रेकफास्ट में भी ले सकते हैं और इनकेस आपको मिड नाइट क्रेविंग होती है तब भी आप ये बना के खा सकते हैं चाय वगैरह के साथ। बड़ा मज़े की और क्विक सी रेसिपी है कि और आप चाहें तो इसको एक तरफ से क्रिस्पी करना चाहें तो आप इसको दोनों तरफ से भी क्रिस्पी कर सकते हैं और जी ये और बनके भी बहुत जल्दी रेडी हो जाते हैं। और कटिंग आप उसको अपने अकॉर्डिंग एडजस्ट कर सकते हैं। मेरे पास जो ब्रेड थी ना वो थोड़ी सी ऊपर से ओरल शेप की, नीचे से स्क्वायर शेप की थी, तो इसलिए मैंने इसके एक ब्रेड के 4 पीस कर दिए हैं। अदरवाइज आप इसको ट्रायंगल शेप के भी कट कर सकते हैं। तो ये वाला पीस ही मेरा थोड़ा सा डार्क ब्राउन हो गया था, अदरवाइज़ ये टेस्ट बहुत ज़बरदस्त था। ये रेसिपी आप जितने भी पीसेस बनाना चाहें आपके ऊपर डिपेंड करता है। वैसे 4 स्लाइसेस 2 पर्सन के लिए इनफ है। होप्स आपको रेसिपी अच्छी लगी होगी। रेसिपी अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, अपने फ्रेंड के साथ लाजमी शेयर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।